पूरे यूपी में कोरोना के खिलाफ महावैक्सीनेशन अभियान जारी है। कोरोना से बचाव के लिए सभी वर्गों के लिए टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। वहीं अब कई संस्था भी अपने कर्मचारियों को टीका लगवाने के लिए आगे आ रही हैं। ऐसे ही अमरोहा के जोया रोड में सरकार फीलिंग सेंटर पर भी टीकाकरण अभियान चलाया गया। ये टीकाकरण कैंप पेट्रोल पंप मालिक और वरिष्ठ पत्रकार मोहम्मद फहद की तरफ से लगाया गया। यही नहीं, अमरोहा जिले के तमाम पेट्रोल कर्मियों के लिए ये टीकाकरण कैंप लगाया गया है। इस कैंप के उद्घाटन के लिए अमरोहा के जिलाधिकारी बाल कृष्ण त्रिपाठी ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। डीएम ने फीता काटकर कैंप का उद्घाटन किया। इस टीकाकरण कैंप में डीएम अभिके त्रिपाठी के अलावा एडीएम विनय कुमार, सीएमओ सौभाग्य प्रकाश के साथ साथ वरिष्ठ पत्रकार मोहम्मद फहद और एचपीसीएल की तरफ से सेल्स ऑफिसर प्रवीण राणा भी मौजूद रहे। इस दौरान सेल्स ऑफिसर प्रवीण राणा ने सभी लोगों से ज्यादा संख्या में पहुंचकर वैक्सीन लगाने की अपील की। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि पेट्रोल पंप कर्मचारियों को खुद आगे आकर वैक्सीन लगानी चाहिए, क्योंकि पेट्रोल कर्मचारी अपने काम के दौरान कई लोगों के संपर्क में आते हैं और वैक्सीन लगाने के बाद वो खुद के साथ साथ अन्य लोगों को संक्रमित होने से बचा सकते हैं। इस दौरान डीएम अभिके त्रिपाठी ने इस वैक्सीन कैंप के बारे में जानकारी दी। जिलाधिकारी ने पेट्रोल पंप पे लगाए गए कैंप की जमकर तारीफ की। डीएम ने वैक्सीनेशन कैंप में अच्छे व्यवस्थाओं की भी जमकर सराहना की। हाँ, यहाँ वैक्सीन सेंटर बनाया गया है, जो कर्मचारी पेट्रोल पंप पे कार्य कर रहे हैं उनके लिए स्पेशली सेंटर बनाया गया है। और यहाँ पे हम लोगों का आज का टारगेट 200 का है और मुझे पूरा विश्वास है कि जिस उत्साह से लोग लगा रहे हैं बचपन से वो सब टारगेट रिसीव कर लेंगे। और मैंने यहाँ व्यवस्था देखी, बहुत अच्छी तरीके से इन्होंने बैठने की व्यवस्था कर रखी है। वैक्सीनेशन के बाद ऑब्जर्वेशन के लिए भी अच्छी व्यवस्था कर रखी है। मैं इसके लिए इनका आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ।